नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैथ में पढ़ रहे थे प्रतिशत, आगे देखते हैं प्रतिशत। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों प्रतिशत में, 2100 का 33 1/3% प्लस 4200 का 14 से 2/7% होगा। क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 2100 का 33 से 1/3% प्लस 4200 का 14 से 2/7% का मान बताना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 2100 का, 2100 का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा किया हम। पहले इसको मिश्र बिंदु को हम साधारण बिंदु बन लेंगे दोस्तों, 33 से 1/3 का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इन 33 को पहले 3 से गुणा करेंगे। 33 को 3 से गुणा किया तो 99, 99 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है दोस्तों, 99 एक जोड़ा तो 100, 100/3। तो इसका मान कितना आया, 100/3 इसका मान आया, सही है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत आएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे दोस्तों, सही है। यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे प्लस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे 4200 है तो 4200 का मतलब गुणा। तो यहाँ पे पहले इसको मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु बन लेंगे दोस्तों, मिश्र बिंदु है 14 से 2/7। तो क्या करेंगे, पहले 14 को 7 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों 7 चौक 28, 7 दो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, कितना माना है, 100/7 इसका माना है दोस्तों। तो यहाँ पे रखेंगे 100/7, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह, तो प्रतिशत का चिन्ह उठाएंगे तो नीचे 100 से यहाँ पे इसका भाग देंगे, सही है दोस्तों। अब हल करते हैं, यहाँ पे 1 2 2 0 से 2 0 काटा दोस्तों, यहाँ पे 21, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2100 है, तो ये इसे कटा कितनी बार, 7 बार। तो यानी यहाँ पे तो आगे इसका मान 700 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ पे 7 का भाग देंगे 42 में, 7 6 42 यानी 600। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस 600, 700 और 600 को जोड़ा तो 1300, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1300 आ गया, सही है दोस्तों। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन हल। तो हमने पहले क्या किया दोस्तों, ये मिश्र बिंदु है उनको साधारण बिंदु में बदला, यहाँ पे मिश्र बिंदु थी 33 से 1/3, तो इसको साधारण बिंदु में बदला तो कितना है, 1/3 आया इसका मान। तो यहाँ पे प्रतिशत आया तो नीचे 100 लगाया दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, 14 से 2/7 का मान निकालेंगे तो 1/7 आया, प्रतिशत आया तो नीचे 100 लगाएंगे दोस्तों, सही है। तो यहाँ पे रखा इनका मान 2100 × 100/3 × 100, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 4200 है तो 4200 × यहाँ पे इसको हल किया तो 100/7 आया और नीचे 100% आया, तब 100 आया नीचे। इसके बाद हल करा, यहाँ पे हल करने के बाद इसका पूरा का मान आया 700 आया। इसी प्रकार यहाँ पे इस पूरे को हल करने के बाद इसका मान आया 600 आया। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 700 को और 600 को जोड़ा तो 1300 आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1300 आ गया, सही है दोस्तों। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं सही क्वेश्चन एक और। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 1800 का 16 से 2/3% प्लस 2100 का 9 से 1/11, यहाँ पे आप 2200 कर लीजिए दोस्तों, 2200 का 9 से 11% होगा इसका मान बताना है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1800 का 16 से 2/3%, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2200 का 9 से 1/11% करना है दोस्तों। तो हल कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, पहले हल करने के लिए यहाँ पे इनको पहले साधारण बिंदु बदलेंगे, यहाँ पे 16 से 2/3 को और 9 से 1/11 को हम पहले इनको साधारण बिंदु बदल लीजिए दोस्तों। बदला दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो हमने कहा था पहले इन संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में, 16 को 3 से गुणा किया तो 16 थी 48, ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं दोस्तों, 48 में 2 जोड़ा तो 50, तो ऊपर वाला तो आ गया 50, नीचे 3 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, यानी यहाँ पे आ गया 300, यानी इसका मान आ गया 50/300। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 को 11 से गुणा किया तो 99, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो 100, यानी 100/, यहाँ पे कितना है 11, प्रतिशत आएंगे नीचे 100, तो यहाँ पे 00 लगा देंगे, यहाँ पे 1100 आ गया, मतलब 100/1100।
मतलब ये तो मिश्र बिन थी, ये इनकी साधारण बिन हो गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मान दे रखा हमारे को 1800, काका मतलब गुणा करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसका मान आया 50/300, तो यहाँ पे हमने रखा 50/300 रख लिया। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हम भी यहाँ पे प्लस कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद में 1200 का यहाँ पे देखेंगे, तो हमने यहाँ पे रखा 2200। आगे देखते हैं यहाँ पे काका चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, तो इसका मान आया 100/1100, तो हम यहाँ पे रखेंगे 100/1100। कटने वाले को हम काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे काटा 20 से 20 काटा, 18 3 का भाग जाता है 6 18, यानी 6 को 50 से गुणा करेंगे, 6 5 30, यानी इसका मान पूरा आया 300 मान आया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, काटने वाले को काट देंगे 20 से 20, 11 को 22 से काटेंगे, यानी 11 दूनी 22, 2 बार गया। अब 2 को 100 से गुणा किया तो 200, अब 300 को और 200 को जोड़ेंगे तो 500, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 500 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे 1800 दे रखा था, 1800 पर ये मिश्र बिन दे रखी थी, 16 से ही 2/3 दे रखी थी, और यहाँ पे भी मिश्र बिन दे रखी थी, 9 से ही 1/11। तो पहले हमने क्या किया, इनको साधारण बिन में बदला, 16 से ही 2/3 को साधारण बिन में बदला, तो कितना आया, 50/300 आया। इसी प्रकार हम यहाँ पे बदलेंगे 9 से ही 1/11 को, 9 से ही 1/11 को बदला तो 100/1100 आया। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा था 1800 का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, तो हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह रखा, और यहाँ पे इसका साधारण में बदला तो 50/300 आया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हमने भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार यहाँ पे होगा 2200, तो यहाँ पे काका मतलब गुणा का चिन्ह लगाया, इसको साधारण में बदला तो 100/1100 आया। जो करता है ना उसको काट देंगे, यहाँ काटने के बाद यहाँ पे 300 आया, इसका मान 200 आया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 500, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 500 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम। हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% 180 है, तो वह संख्या होगी, किसी संख्या का 30% 180 है तो वह संख्या होगी, वो संख्या निकालनी है हमारे को दोस्तों। हल कीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम तो हल किया दोस्तों, क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसी संख्या का 30% दे रखा है, हमारे को पता नहीं संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, काका मतलब गुणा होता, तो हमने यहाँ पे गुणा किया। सही है दोस्तों, किसी संख्या का हमारे पास संख्या नहीं दे रखी, तो हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पे काका मतलब गुणा, 30% दे रखा तो हम यहाँ पे 30% रख देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे दोस्तों, और इसका मान दे रखा है 180, यानी बराबर मान दे रखा है 180। सही है दोस्तों, यानी किसी संख्या का 30% 180 दे रखा है, तो हमने बस मान रखा है यहाँ पे एक्स मानना है, इंटू 30/100, प्रतिशत आया तो नीचे 100 लगाया, इसका बराबर मान दे रखा था 180, यानी बराबर वाली संख्या ही कट जाती है, तो हम यहाँ पे काटेंगे 0 से 0, 3 से काटा 6 बार, अब इधर वज्र गुणा हो जाएगा दोस्तों, 100 को 6 से गुणा करेंगे तो 600, तो वह संख्या कौन सी, कितनी थी, 600 थी, उस संख्या का मान क्या था, 600। तो कैसे किया दोस्तों, कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्स मानना है, हमारे संख्या नहीं पता हमारे को क्या है, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे, और 30 बराबर 180 दे रखा हमारे को, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, 30 की वैल्यू दे रखी है 180 की बराबर, तो हम क्या करेंगे, 180/30 मान निकालने के लिए हम उसको 100 मानते हैं दोस्तों, यहाँ पे काटेंगे 6 बार गया, तो वही हमारा मान कितना आया, 600। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी मान निकालने के लिए यहाँ पे हम 100 मानते हैं दोस्तों। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। आपको कोई से भी अच्छा लगे दोनों में से, तो कोई सा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, किसी संख्या का मान
किसी संख्या का 30% दे रखा था, 180, तो वह संख्या याद करनी थी। तो हमने क्या किया, उस संख्या को एक्स माना है, एक्स का 30% निकाला, यानी एक्स इंटू 30/35 रहा है, तो नीचे 100 लगाया दोस्तों, बराबर मान दे रखा है 180, तो बराबर वाली संख्या कट जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक 0 से 0 कटा, 3 के फाड़े से 18 कटा 6 बार, ये दोनों वज्र गुना हो गई, तो 100 × 6 = 600, तुम्हारा मान कितना आ गया, 600 आ गया। तो वह संख्या कौन कितनी थी, 600 थी। और देखते हैं सही क्वेश्चन, एक और देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, किसी संख्या का 50% 150 है, तो उस संख्या का 40% होगा। हल कीजिए दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है किसी संख्या का 50% 150 दे रखा, तो उस संख्या का फिर 40% निकालना है। पहले तो हमारे को वो संख्या निकालनी है, फिर उस संख्या का हमारे को वापिस 40% निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या नहीं है तो हम इसको एक्स मानेंगे दोस्तों, का मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे, 50 तो 50 लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगाए तो नीचे 100 लगाएंगे, उसके बाद में बराबर मान दे रखा 150, तो यहाँ पर 150 रखेंगे, कटने वाले को हम काट देंगे, 0 से 0, 5 के फाड़े से 3 बार गया, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, तो वह संख्या कितनी थी, 300 थी। सही है दोस्तों, वह संख्या कितनी थी, 300 थी। उसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि उस संख्या का 40% काटना है, यानी 300 का 40% निकाल लेंगे। अब 300 का 40% निकाला तो 120। सही है दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ गया, 120 आ गया। कर सकते हैं सर क्वेश्चन। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, किसी संख्या का 50% 150 दे रखा है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उस संख्या को एक्स माना है और 50/100 रखा है, और यहाँ पे बराबर मान दे रखा है हमारे को 150, तो बस हमने उसका मान रखा है। कटने वाले को हमने काटा है, 0 0 काटा है, 5 के फाड़े से 15 को 3 बार काटा है, उसके बाद में 100 को 3 से गुणा किया तो 300 आया, यानी वह संख्या कितनी थी, 300 थी वह संख्या। और उस संख्या का फिर 40% निकालना है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है उस संख्या का 40% निकालना है, या उसका 40% होगा। तो हमने क्या किया, 300 का 40% निकाला तो 120 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 120 आ गया दोस्तों। कर सकते हैं इसका क्वेश्चन, और देखते हैं इसे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दोस्तों, किसी संख्या का 3/5 के 15/9 का 2/5, किसी संख्या के 3/5 के 15/9 का 2/5 का मान 150 है, तो वह संख्या होगी, हाँ। तो दोस्तों हल कीजिए, क्वेश्चन हमारा किसी संख्या का 3/5 के 15/9 का 2/5 का मान 150 है, तो वह संख्या होगी, उस संख्या का मान निकालिए दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन वैसे की वैसे ही है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, बस वहाँ पे पहले दो दो संख्याएं थी, यहाँ पे क्या भिन्न में दे दिया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे किसी संख्या का पता नहीं, तो हमने एक्स मान लिया, का मतलब गुणा होता है, 3/5 रखा, उसके बाद में के का मतलब भी गुणा होता है, 15/9, यहाँ पे 15/9 रखा, उसके बाद में यहाँ पे का है तो यहाँ पे गुणा 2/5 रखा, और उसका मान दे रखा 150, यानी बराबर का मान दे रखा 150, तो हमारे को यह संख्या याद करनी, वह संख्या क्या होगी, कटने वाले को हम काट देंगे, तो यहाँ पे हम काटते हैं 5 के फाड़े से 3 बार, 3 को काटें यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार, 3 से 3 गया, सही है दोस्तों। उसके बाद में 2 को यहाँ पे काटेंगे, 75 बार गया 150,
पिचहत्तर को 5 से गुणा करेंगे, 75 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 37, तो वह संख्या कितनी थी, 375 थी दोस्तों। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों इस क्वेश्चन में, बस हमने एक्स माना है और जैसे क्वेश्चन में वैसे वैसे हमने हल किया है। क्वेश्चन में कहा है कि 3/5, तो हमने 3/5 रखा है, उसके बाद में के 15/9, तो बस के का मतलब गुणा होता है, 15/9 रखा है, उसके बाद में का मतलब गुणा होता है, उसके बाद में 2/5 रखा है, उसका मान दे रखा हमारे को बराबर में 150, जो कटता है ना उसको काट देंगे हमने, हमने 5 से काटा यहाँ पे 3 बार गया, 3 को यहाँ से काटा, 9 को काटा 3 बार गया, 3 से 3 गया, उसके बाद में 2/5 और बराबर 150 बचा, 2 से काटा 150 को 75 बार गया, 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 375 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 375 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन है एस का एस प्रतिशत 121 है, तो एस का 121 है, तो एक्स का 121 है, तो एक्स का 9 सही 1/11 प्रतिशत होगा। सही है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा एस का एक्स प्रतिशत 121 है, तो एस का 9 सही 1/11 होगा, इसका मान निकालना है दोस्तों। पहले हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके एस की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पे एस का मान रख के 9 सही 1/11 प्रतिशत निकालना है, तो हल कीजिए दोस्तों। किया दोस्तों, तो क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एस का एस प्रतिशत, यानी एस है का मतलब गुणा है, एस है 100 आएगा, प्रतिशत उठाएंगे तो इसका वैल्यू दे रखा हमारे को 121 दे रखा। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पे एस को एस से गुणा किया तो एस स्क्वायर हो गया ना, एस को एस से गुणा किया एस स्क्वायर 100 और बराबर 121। अब ये वज्र हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया एस 121 × 100, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके रूट लग जाएगा दोस्तों, तो एस 121 × 100 यहाँ पे रूट लगा। अब रूट में से निकालेंगे मान, 121 किसका होता है 11 का, 100 किसका होता है 10 का, यहाँ पे गुणा है तो 11 को 10 से गुणा किया तो 110 आ गया, यानी पूरा वैल्यू का मान कितना आया हमारे पास 110 आया। सही है, उसके बाद में कहा है कि एस का 9 सही 1/11 प्रतिशत निकालना है, यानी एस का मान कितना आया 110 आ गया, तो हम यहाँ पे रखेंगे 110 × 9 सही 1/11 को हम पहले साधारण में बदलेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस संख्या को गुणा करेंगे, 9 को 11 से गुणा किया तो 99 में 1 जोड़ा तो 100, यानी इसका मान है 100/11, वो प्रतिशत लाएंगे तो नीचे 00 लगा देंगे, यानी पूरे का मान लगे 100/1100, तो अब यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 100/1100, जो कटता है उसको काट देंगे, 2 0 से 2 0 काटा, यहाँ पे 11 से एक बार, तो इस पूरे का मान कितना आया 10 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा एस का एक्स प्रतिशत 121 दे रखा है, तो हमने किया एस, यहाँ पे का मतलब गुणा होता तो यहाँ पे गुणा किया, उसके बाद में एस प्रतिशत तो एस 100 रखा। सही है दोस्तों, उसके बाद में बराबर दे रखा है 121, तो हम क्या करेंगे, एस को एस से गुणा किया तो 2x² हो गया, तो यहाँ पे बराबर 121 और 100 है तो इधर आगे 100 गुणा में हो जाएगा दोस्तों, तो 121 × 100, तो हम यहाँ पे एस बराबर एस का यहाँ पे स्क्वायर है इधर आगे ये रूट में हो जाएगा, तो 121 का मान निकालेंगे तो हम 11 है, 100 का निकाला तो 10 है, 10 को 11 से गुणा किया तो 110 आया, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई दोस्तों। उसके बाद में कहा है कि एस का 9 सही 1/11 प्रतिशत निकालना है, तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे पहले ये मिश्र बिन में उसको साधारण बिन में बदला तो कितना आया 1/11 आया। सही है दोस्तों, यानी 100/11, उसके बाद प्रतिशत आएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों।
सही है। तो हमारे पूरे का मान कितना है, 100/1100, तो 110 इंटू 100/1100 करता है, इसको काट देंगे 2 0 से 2 0, 11 से 11 गया यानी 10 बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।